नमस्कार, समर्थ सहारा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। चलिए आज की खास खबर पर नजर डालते हैं। उद्योगों की प्रगति में ही मध्य प्रदेश की समृद्धि निहित है। प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़े, अधिक से अधिक उद्योग यहां स्थापित हों, प्रदेश का चहुंमुखी विकास हो, हम सुशासन और सुव्यवस्थाओं को स्थापित करें, प्रदेश सरकार का यही संकल्प है। ये विचार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रायसेन जिले के तामोट में टेक्सटाइल उद्योग क्षेत्र में सागर ग्रुप की SMPL इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल इंडस्ट्री की नव निर्मित इकाई का उद्घाटन करने के उपरांत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए व्यक्त की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों को मजबूत करने में सबसे बड़ा योगदान रोजगार व्यवस्था का है। उद्योगों से समृद्धि आती है, प्रदेश में समृद्ध होने के साथ साथ नागरिकों को रोजगार मिलता है, आर्थिक विकास होता है, देश दुनिया में पहचान बनती है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में विकास के लिए कार्य किए जा रहे हैं, यहाँ अधिक से अधिक उद्योग स्थापित हो ये प्रयास किए जा रहे हैं। उज्जैन में भी टेक्सटाइल उद्योग स्थापित करने के प्रयास किए जाएंगे, प्रदेश के ही उद्यमी यहाँ उद्योग खोलें इसके लिए भी प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में सभी योजनाओं का संचालन करते हुए नित नए आयाम जोड़े जा रहे हैं, प्रदेश में सुशासन और सुव्यवस्था रहे, हमारा मध्य प्रदेश विकास के मामले में नंबर वन बने, इसके लिए सरकार निरंतर काम कर रही है। आपको बर्दाश्त करने वाला देश नहीं है, ना देश की मानसिकता है। अभी भी समय समझ लो, आपको तो प्रेम से निमंत्रण दे रहे हैं कि भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में लोगों ने अपने पास से धन दिया, पैसा दी, लोगों ने प्राण दिए, अपने आप को बलिदान किया, लेकिन आप आगे भगवान की प्रतिष्ठा में भी सम्मिलित नहीं हो पा रहे हो, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। फिलहाल इस खबर के साथ इतना ही, बने रहिए हमारे साथ समर्थ सहारा न्यूज पर। नमस्कार।